हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज SSC JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर 2023 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम सभी रीजन का, सभी स्टेट का लाइव चेकिंग करके दिखलाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हमारे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके दिखलाते हैं कैसे आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में जाना है और यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखना है SSC। इस तरह का लिखना है, SSC लिखकर आपको सर्च मारना है। आप जैसे ही सर्च मारते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पड़ेगा आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर लेना है यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं थ्री डॉट पर। फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन, तो इस बॉक्स में आपको टिक आउट कर देना है। तो आप जैसे ही टिक आउट करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस है जो देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऊपर में एडमिट कार्ड का ऑप्शन, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो सभी स्टेट का, सभी रीजन का यहाँ पर लिंक दिया गया है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। चलिए हम सभी को एक एक करके चेक करके आपको दिखलाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईस्टर्न रीजन को। तो जो भी स्टूडेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल से होंगे तो ईस्टर्न रीजन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो आपको इस तरह का जो देखने को मिलता है, फिर आपको क्लिक करना है एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर। तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो आपको फिर से नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। और यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन है जो देखने को मिलेगा, CHSL, स्टेनो, JEE। तो आपको सिर्फ JEE के ऑप्शन पर क्लिक करना है। JEE मानी कि जूनियर इंजीनियर हो गया, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर है जो देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक दिया गया है, नो आवर स्टेटस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल Paper 1 एग्जामिनेशन 2023। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर डाल देना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है जो सेलेक्ट करना है। फिर इस कैप्चा को जोड़कर है जो इस बॉक्स में आपको लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आपका एडमिट कार्ड जो शो हो जाएगा। फिर इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरा रीजन का, कर्नाटका केरला रीजन का। जो भी स्टूडेंट बेंगलुरु कर्नाटका से होंगे तो क्लिक करेंगे कर्नाटका केरला रीजन पर। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर से आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, और नीचे जाना थोड़ा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू द एप्लीकेशन स्टेटस जूनियर इंजीनियर। यहाँ पर इसका जो एग्ज़ाम डेट भी दिया गया कि 9/10/2023 से 11/10/2023 तक इसका एग्ज़ाम है जो होने वाला है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर से आपको नीचे आ जाना है और इस बॉक्स में आपको डाल देना है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ को डालना है। इस बॉक्स में टिक आउट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर, तो आपका जो एडमिट कार्ड है शो हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम दूसरा रीजन का, साउथेन रीजन का। तो जो भी स्टूडेंट चेन्नई तमिलनाडु से होंगे तो साउथेन रीजन पर क्लिक करेंगे। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, तो आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर दूसरा नंबर पर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2023। और यहाँ पर जो इसका लिंक जो दिया गया है एप्लीकेशन स्टेटस का, और यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है रोल नंबर एंड टाइम शिफ्ट डेट का। यहाँ पर जो आपको दिया गया है एडमिट कार्ड को, यहाँ पर दिया गया है स्टेटस, यानी कि उसमें दिया रहेगा आपको डेट टाइम दिया रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन स्टेटस पर, तो आपको है जो
यहाँ पर आपको डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना है और फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है ताकि जो स्टेटस जो दिखा देगा। फिर आपको क्लिक करना है, बगल में दिया गया है नो आवर रोल नंबर टाइम शिफ्ट डेट एंड प्लेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2023, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका है जो डेट टाइम एंड शिफ्ट आपको दिखाई देगा, यानी कि उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कौन से डेट में आपका एग्ज़ाम है और कहाँ आपका सिटी में एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको दिया रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। जो भी स्टूडेंट असम, सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी से होंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर क्लिक करेंगे। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, फिर से आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए और आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर। तो आपको जब फिर से इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर से आपको नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। अभी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का और MTS का जारी हुआ था और अभी JEE का इसमें जारी नहीं हुआ है, तो एक दो दिन में इसका भी जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होता है आपको अपडेट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं वेस्टर्न रीजन का। तो जो भी स्टूडेंट मुंबई महाराष्ट्र से होंगे तो वेस्टर्न रीजन पर क्लिक करेंगे। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जारी हो गया है, यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जूनियर इंजीनियर, इसका भी एग्ज़ाम डेट दिया गया है यहाँ पर 9/10/2023 से 11/10/2023 तक, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो आप फिर से नीचे आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बोला गया है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर इस कैप्चा को जोड़कर लिख लेना है, फिर सर्च नाउ पर क्लिक करना है तो आपका जो एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश सीजन का। तो जो भी स्टूडेंट अनूपनगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से होंगे तो मध्य प्रदेश सीजन पर क्लिक करेंगे। तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो फिर से आपको नीचे आ जाना है। तो अभी यहाँ पर इसका भी अभी जारी नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसका लिंक है जो एक्टिव नहीं हुआ है, तो जैसे यहाँ लिंक एक्टिव होता है आपको अपडेट कर देंगे। तो अभी सिर्फ 4 ही रीजन का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरल रीजन, साउथर्न रीजन, और इसका तो अभी जारी नहीं हुआ है, तो इसका हम अपडेट देंगे फिर से। फिर यहाँ पर जारी हुआ है आपको वेस्टर्न रीजन का, फिर यहाँ पर इसका भी जारी नहीं हुआ है, इसका भी जारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही सभी रीजन का लिंक जो एक्टिव होता है आपको अपडेट कर देंगे फिर से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।